दिस प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम क्लास 9 टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी. क्वेश्चन सेज अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ रूफ. इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस द विंडो ऑफ हाइट 2.0 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ एबव द टॉप ऑफ द विंडो. तो ये इसका रूफ है, यहाँ से किसी बॉल को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया है, और ये विंडो है. तो विंडो के टॉप पे T1 टाइम लगता है, विंडो के बॉटम पे T2 टाइम लगता है. तो h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है और विंडो को क्रॉस करने में उसको 0.1 सेकंड का टाइम लगता है. देयरफॉर T2 माइनस T1 कैन बी रिटन एज 0.1 सेकंड. और इस हाइट को हम मान लेते हैं sh, और इस हाइट को मान लेते हैं sh प्लस 2 हो ही जाएगा. अगर ये sh है तो ये sh प्लस 2 हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं, जो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो ड्रॉप किया गया इसलिए ये जीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ होगा हाफ gt स्क्वायर. तो यहाँ के लिए निकाल लेते हैं और यहाँ के लिए निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा हाफ gt2 स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ gt1 स्क्वायर. यहाँ पर 1/2 कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये g दोनों में कॉमन लेके इधर डिवाइड हो जाएगा. और हम जानते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a+b (a-b). तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं t2 + t1 (t2 - t1) और 4/g का वैल्यू हो जाएगा 0.8. जी मतलब 9.8. 10 नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर छोटा सा सेकंड 0.1 सेकंड का भी, यहाँ पर 0.1 सेकंड में सिग्निफिकेंट है. t2 - t1 को हम इतना लिख दिया और ये 0.48 आ गया. और t2 - t1 हमको 0.1 सेकेंड है विंडो को क्रॉस करने वाला टाइम, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 4.08 आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. तो t2 + t1 आ गया 4.08, और t2 - t1 हम जानते हैं 0.1, तो उसको दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं. दोनों को ऐड करेंगे तो ये t1 - t1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2t बराबर हो जाएगा 4.18. तो t2 आ जाएगा 2.09. तो t1 को हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं. तो t1 हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, t2 है माइनस 0.1. तो इतना से हो जाएगा t1 का वैल्यू 1.99. फाइंड द हाइट ऑफ रूफ एबव द टॉप ऑफ द विंडो, ये निकालना है. तो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt t1 स्क्वायर हो जाएगा. तो h इक्वल टू हाफ gt1 स्क्वायर, जी मतलब 9.8, 1.99 t1 निकला, तो 19.4 मीटर इसका आंसर हो गया.